लोकसभा चुनावों में रणभेरी पच चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा चुनावों की तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा चुका है। वहीं ये बताना भी दिलचस्प है कि लोकसभा चुनाव में अन्य मतदाताओं की तरह जिला कांगड़ा के 74 शतकवीर भी वोट डालेंगे। जिला कांगड़ा में इस बार लोकसभा चुनावों के दौरान 74 ऐसे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक हो चुकी है। इनमें से सबसे अधिक शतकवीर जिला कांगड़ा की डाडासिबा तहसील के अंतर्गत आती महिला है, जबकि जसवां तहसील के अंतर्गत मात्र एक शतकवीर है। कुल 74 शतकवीरों में से ऐसे महिला व पुरुष भी शामिल हैं जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक भी हो चुकी है। जिला कांगड़ा में 18 तहसीलें आती हैं तथा ये आंकड़ा विभिन्न तहसीलों से मिली जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी मतदाताओं को मतदान के लिए उनके घर जाकर निमंत्रण भी दिया गया है और इन सभी मतदाताओं को मतदान केंद्र तक मतदान वाले दिवस लाने और घर वापस पहुंचाने के लिए विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। जिला कांगड़ा में 74 ऐसे वोटर्स हैं जो कि शतकवीर हैं, 100 साल से ऊपर की उनकी उम्र है। ये सभी वोटर्स हमारे लोकतंत्र के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इनमें से बहुत ज्यादा ऐसे हैं जिन्होंने, जब हमारे देश में प्रथम चुनाव हुआ था उसमें भी इन लोगों ने मतदान किया था। क्योंकि उम्र ज्यादा होने की वजह से ये वोटर्स जो है वो पोलिंग स्टेशन पर तक जाने में केवल असमर्थ हो सकते हैं। इसी बात को हमने ध्यान में रखते हुए जो हमारे स्वीप एक्टिविटीज में अधिकारी जुड़े हुए थे या हमारे जो बीएलओस हैं उनको हमने प्रत्येक ऐसे सीनियर सिटीजन के पास भेजा है जो 100 वर्ष से ऊपर है, और वहां पर हमने ये भी अनुमान लगाने की कोशिश की है कि किसी को कोई विशेष सहायता प्रशासन की तरफ से पोलिंग बूथ तक जाने की जरूरत हो वो हम प्रदान करेंगे। हाँ, जिला कांगड़ा ने इन तमाम वोटर्स को जो 100 साल से ऊपर है, इन्हें लोकतंत्र का प्रकाश स्तंभ मानते हुए इनका आदर सम्मान करने के लिए, इनको पूरी तरह से प्रेरित करने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए पूरे प्रयास किए हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे शत प्रतिशत ये जो शतकवीर हैं उस दिन जो है वोट कास्ट करने के लिए जरूर आएंगे। सर, कोई सम्मानित वगैरह तो नहीं किया जाएगा उनको? नहीं, वो मुझे लगता है कि ऐसे शतकवीर मतदाता जब पोलिंग स्टेशन तक पहुंचेंगे तो ऐसे में हमारा ही सम्मान होगा। हम उनको जो सुविधा होगी वहां पर पहुंचाने की हम बोलते तो उनको जरूर देंगे। फिर एक जिला विभाग द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही थी, 1611 पोलिंग बूथ है और 2 ऑक्सिलरी पोलिंग बूथ है। एक ऑक्सिलरी पोलिंग बूथ जो है वो बड़ा बंगाल क्षेत्र में बनाया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बड़ा बंगाल जो है वो हमारे देश का अति दुर्गम क्षेत्र है। यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे 100 से 150 वोटर जो है वो वोट कास्ट करेंगे। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बड़ा बंगाल ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन में मैन्युअली स्टाफ सेलेक्ट करने का अनुरोध किया था, जो उन्होंने हमारा माना। और साधारणतः पोलिंग पार्टी जो है वो पोल से 2 दिन पहले जाती है, लेकिन बड़ा बंगाल के लिए हमारी जो पोलिंग पार्टीज हैं हमने उनको 5 दिन पहले ही बुला लिया था और वो पिछले कल यानी के 15 मई को बड़ा बंगाल के लिए बाई रोड रवाना हो गई हैं। पिछले कल वो रात को चंबा पहुंच गए थे, आज वो होली पहुंचेंगे और कल वो ऑन फुट होली से बड़ा बंगाल के लिए तकरीबन 40 किलोमीटर का जो रास्ता है उसको पैदल तय करेंगे। कल शाम तक जो है वोट बड़ा बंगाल में पहुंच जाएंगे। तो एक 18 सदस्यीय दल जो है वो हमने पूरे चुनाव की प्रक्रिया बड़ा बंगाल में करवाने के लिए भेजा है। इन सब तमाम जो सदस्य हैं इनका हमने मेडिकल भी करवाया, सो दैट कि ये मेडिकली फिट लोग ही वहां पर जाएं। इनके साथ 5 पोर्टर्स भेजे हैं, 2 पुलिस पर्सनल हैं और एक टीम जो है वो डॉक्टर और फार्मासिस्ट की भी उनके साथ गई है।
धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की पंचायत तंगरोटी की 101 वर्षीय धनी देवी ने बताया कि वो कई बार मतदान कर चुकी है और इस बार भी वे वोट डालने अवश्य जाएंगी। उन्होंने बताया कि उनके कई काम सरकार ने करवाए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को वोट जरूर डालना चाहिए ताकि उनको नौकरी मिले। धनी देवी, अच्छा वोट पाया था पहले भी? उन फिर पाना है? पाएंगे, ले जाएंगे, कोई भी आएंगे, योजना हो रही है। तो हाँ कुछ मांग भी रख दे जिन्हें बंदे तो वोट पा दे, कोई काम भी दस दे, उम्मीद है कुछ काम कर दे सर। काम नहीं दस दे, कमाने आते थे और कमाने नहीं करे था, और कमाने आ गया आते कमाने हैं, तो मंगी भी जा रही है काम। जिन्हें तो हम वोट पाते से थोड़े कुछ काम कुम भी करते, रस्ते बनाए, लाइटा लुटा कीतियां ठीक, कुछ कोई काम होए तो नहीं आदि होए दे, दे काम आने कुड़ियां बेटियां आदि पढ़ा कर दी ना, कम दस दी क्या कमाना ना। थोड़े गांव दा पिंड दा कोई काम है जेड़ा हले होना है कने तुहां ते ना दसना हले काम जिन्हें वोट पाने तो हां हां नौजवान मुंडे कुड़ियां दी ना क्या गलाना चाहते तो वोट पाना चाहिए भी? वोट पाना चाहिए। कब पाना चाहिए वोट? कब पाना चाहिए? नौकरियां मिली जाने ना, जो कोई कम मिली जाए और क्या। ठीक है।